हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस अकेडमी। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आप लोग बता दूं कि आज की सुनवाई में क्या हुआ, आज का अपडेट लेके आया हूं ओबीसी आरक्षण को लेकर, कि आज की सुनवाई में क्या हुआ, नई डेट क्या मिली है और माननीय न्यायालय के द्वारा क्या बोला गया है, और जो अपने वकील हैं एडवोकेट साहब हैं उनके द्वारा क्या पक्ष रखा गया है ओबीसी को लेकर, ईडब्ल्यूएस के लेकर, और ओबीसी जो महासंगठन है उनके द्वारा क्या बोला जा रहा है। ओबीसी वालों ने हाईकोर्ट में कहा है कि हमारा फैसला संवैधानिक पीठ से करा दो, सबसे बड़ी बात है। और आप देखने वाले हैं अगली सुनवाई कब कर दी गई है और माननीय न्यायालय के द्वारा क्या बोला गया है सरकार को कि ओबीसी का जो है डाटा पेश करो या अन्यथा यह सुनवाई रोकी नहीं जाएगी। सबसे बड़ी खबर है। उससे पहले चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार और है कि आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के बाद आप लोग क्या सोचते हैं, अपना जो मन की बात है आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा। आप लोग दादू इसमें बोला कि मध्य प्रदेश की, आप लोग देख रहे हो बहुत सारे आर्टिकल छपे हुए हैं भोपाल समाचार पे, आप लोग दैनिक भास्कर में मिल जाएगा और बहुत सारे आर्टिकल आप लोग देख सकते हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित में हाईकोर्ट 27% आरक्षण को विवाद पर अंतिम सुनवाई चल रही है। कब चल रही है? आज भी सुनवाई हुई है। अब ओबीसी आरक्षण के समर्थन वाले वकीलों ने दलील प्रस्तुत की जा रही है, यानी जो ओबीसी आरक्षण का, जो 27% आरक्षण का समर्थन करते हैं उन वकीलों के द्वारा अब दलील पेश की जा रही है, उनके द्वारा पेश किया जा रहा है, आंकड़ा पेश किया जा रहा है क्यों न उनको 27% आरक्षण दिया जाए। आज हाई कोर्ट में ओबीसी आरक्षण के समर्थन वकीलों ने कहा है यदि 10% ईडब्ल्यूएस के लिए 50% आरक्षण की सीमा को तोड़ा जा सकता है। बात तो सही है, यदि 10% ईडब्ल्यूएस वालों को आरक्षण दिया जाता है तो 50% से ऊपर हो रहा है आरक्षण, तो इनके लिए 10% का जो 50% की सीमा तोड़ा जा सकता है, आरक्षण की सीमा को तोड़ा जा सकता है, तो फिर 27% ओबीसी के लिए क्यों नहीं तोड़ा जा सकता है। यानी माननीय वकीलों के द्वारा, एडवोकेट के द्वारा जो ओबीसी के पक्ष में रख रहे हैं उनके द्वारा सही बात रखी जा रही है कि यदि 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस को दिया जा रहा है तो 50% से ज़्यादा ऑलरेडी आरक्षण हो रहा है, तो 27% देने से क्या आपत्ति हो रही है? वो तो टूटी जा रहा है 50% का जो आंकड़ा है इंदिरा साहनी मामला, क्यों नहीं? वकीलों के हाईकोर्ट ने बताया कि केंद्र सरकार 130वें संवैधानिक संशोधन कर 50% आरक्षण की सीमा को खत्म कर दिया है। यानी उनके द्वारा ये भी बोला गया केंद्र सरकार ने 103वां जो संविधान संशोधन लाया था उनको 50% आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, इस बात का आप लोग जरूर ध्यान रखें। वकीलों ने कहा कि ओबीसी आरक्षण का फैसला संवैधानिक पीठ से कराना चाहिए। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ओबीसी आरक्षण का फैसला पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। ईडब्ल्यूएस का जो ओबीसी आरक्षण का मामला फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किसके द्वारा बोला जा रहा है? हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ओबीसी आरक्षण का फैसला पहले से सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने केवल अतिरिक्त 13% आरक्षण दिया जाना चाहिए या नहीं इस विवाद पर बहस हो रही है। यानी हाईकोर्ट को बोला, सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के द्वारा बोला जा रहा है कि जो 14% आरक्षण तो दिया जा रहा था लेकिन मध्य प्रदेश जो हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है बस 13% को आरक्षण को लेकर हो रही है कि इसको दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो आरक्षण है वो तो ऑलरेडी ओबीसी आरक्षण को लेकर बात चली रही है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि अंतिम सुनवाई की प्रक्रिया जारी रहेगी। इसके साथ ही स्पष्ट किया गया है कि 27% ओबीसी आरक्षण पर लगाई गई रोक बरकरार रहेगी। फैसले होने तक मध्य प्रदेश में पूर्व भांति 14% ओबीसी आरक्षण लागू रहेगा। उल्लेखनीय है कि इस विवाद के कारण मध्य प्रदेश में कई सारी नौकरियां परीक्षाओं को परिणाम रुके हुए हैं। यानी जब तक ये सुनवाई नहीं हो पाती है, यानी माननीय हाईकोर्ट के द्वारा बोला है जब तक यह सुनवाई नहीं हो पाती जब तक इस पर रोक लगी रहेगी। यानी 13% जो एक्स्ट्रा ओबीसी आरक्षण है वह नहीं दिया जाएगा, यदि देना चाहते हैं तो 14% आप देके भर्तियां शुरू कर सकते हैं। माननीय हाई कोर्ट के द्वारा यह बोला जा रहा है। अब यह भी बोला गया कि आप आंकड़ा पेश करना चाहते हो 13 के पहले पहले, 13 को आप लोग देख सकते हैं यहां पे टेंटेटिव डेट है। माननीय हाई कोर्ट के द्वारा यह भी बोला गया कि 13 के पहले पहले यदि आप आंकड़ा पेश करना चाहते हैं, सॉरी 9/9/2022 को, आप अगली सुनवाई जो है 9/9 को होने वाली है, और माननीय हाईकोर्ट के द्वारा ये भी बोला कि 13 तारीख से सितंबर पहले पहले आप आंकड़ा पेश करना चाहते हैं तो पेश कर सकते हैं, लेकिन जो सुनवाई चलती रहेगी ये कंटिन्यू चलती रहेगी। अगली सुनवाई जो है 9 तारीख से आप लोग को स्टार्ट होने वाली है, 9/9 से, यानी 2-3 दिन के लिए रोक दी गई है सुनवाई। ठीक है, आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। ये डेट पर डेट ये दिया जा रहा है, यानी डेट ऐसे ही 2-3 दिन के लिए ऐसे ही सुनवाई रोक दी गई थी माननीय हाईकोर्ट के द्वारा, क्योंकि वहाँ पे जो जज साहब थे वो उपस्थित नहीं थे किसी कारण, वह छुट्टी पे चले गए थे। अब 2 दिन के लिए और रोक दी गई है। अब 9/9 को यह सुनवाई होने वाली, देखो कंप्यूटर जनरेटेड है टेंटेटिव डेट जो आप लोग की स्टेटस है। ठीक है, अब जो को मोशन ऑफ हेयरिंग एक कंटिन्यू रहेगी 9 तारीख से। ठीक है, आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जो भी और अपडेट होगी आप लोग को अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।